hello dear students of class 8 i am your ayah sir and we are understanding about the exercise 3.2 previously i am sending you the exercise 3.1 youtube link i hope you are all done now we are talking about exercise 3.2 in the previous online class we are talked about prime factorization method long division method to finding square root repeated subtraction method to finding a square root now we are doing questions of exercise 3.2 1 by 1 so let's do exercise 3.2 so the first question of exercise 3.2 is find a square root of following using prime factorization very simple method you are doing so many time so once again we are doing first is 576 so what you have to do you have to what you have to do you have to take prime factor of 576 so firstly taking prime factor like this last number is 6 so we are starting with 2 that is the main thing if you are understanding square number this will be simple for you so this is 144 again starting with 2 that is 72 we are doing with 2 ओके दिस इज थर्टी सिक्स सिक्स से बिकॉज आई नो द थर्टी सिक्स इज द स्क्वायर ऑफ सिक्स तो आई एम टेकिंग सिक्स इज हियर नाउ वट वी हैव टू डू वी आर टेकिंग ऑल दीज नंबर हियर राइटिंग ऑल दीज नंबर हियर ओके देन मेकिंग पेयर ऑफ टू दो दो के पेयर बनाएंगे यहाँ पर बिकॉज ऑफ वी आर टॉकिंग अबाउट स्क्वायर दैट्स वाय so for finding square root taking one from each pair this two from this we are taking two and from this we are taking six multiply all these numbers so the answer is 24 so the 576 square root of 576 is 24 so this is the prime factorization method you are doing all this b c d by prime factorization method okay thank you now let's talk about Question number second of exercise three point two, that is find square root by long division method. We are talked of long division method in the previous online class, but we are doing here again. So understand all this concept. Five nine two nine. We are finding the square root using long division method. What we have to do? You have to make it like this. write 5929 here one thing you have to find square root by long division method so one thing you do you have to make pair of two aapko 2 2 ke pair is tarike se banane hain means it means jab aap ek part solve kar lenge to dusri दूसरे पार्ट को जब आप नीचे उतारेंगे जैसे कि हम डिवाइड में करते हैं तो एक नंबर नहीं ये दोनों नंबर एक साथ पेयर से उतरेंगे नीचे so we are making pair now starting with this pair फिफ्टी नाइन सो वॉट यू थिंक यू थिंक फिफ्टी नाइन क्लोज़र टू मतलब छोटा होना चाहिए बट क्लोज़र होना चाहिए किसी स्क्वायर नंबर के तो ऐसा कौन सा स्क्वायर नंबर है जिसके फिफ्टी नाइन सबसे ज़्यादा क्लोज़र है सो वी आर स्टार्टिंग विथ सेवन बिकॉज सेवन जा फोर्टी नाइन एट एटा सिक्सटी फोर होता है वी आर नॉट डूइंग बिकॉज सिक्सटी फोर इज़ बिगर दैन फिफ्टी नाइन सो वी आर स्टार्टिंग विद सेवन सेवन फोर्टी नाइन सो दिस इज़ टेन एंड वी आर माइनस किया इसमें तो टेन आया हमने इस पूरे ट्वेंटी नाइन को ऐसा कैसे हमने नीचे उतार तो दिया तो ये नाउ नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है दिस एंड दिस बोध दिज नंबर एड बोथ दिज नंबर तो सेवन प्लस सेवन वट इज सेवन प्लस सेवन दैट इज फोर्टीन नाउ हमें यहां पर ऐसा नंबर पुट करना है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर ये चीज़ हमें मिल जाए ऐसा नंबर हम लोगों को सोचना है तो ऐसा क्या नंबर हम रख सकते हैं यहाँ पे जिससे कि हमें ये मिल जाए ओके सो वी आर स्टार्टिंग एज आई नो आई एम टेकिंग सेवन इफ़ आई एम टेकिंग सेवन ही वी आर मल्टी आई एम मल्टीप्लाइंग दिस नंबर ऑल्सो बाय सेवन जो यहाँ रखूंगा उसे ही यहाँ मल्टीप्लाई करना है मुझे तो सेवन से मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा फोटी नाइन फोर सेवन फोर जो ट्वेंटी एट एंड फोर थर्टी टू का टू कैरी किया थ्री सेवन वन जो सेवन एंड थ्री टेन सो दिस इज़ माई नंबर ये यहाँ पर आ गया है मेरा आई एम सॉल्विंग दिस कम्प्लीटली सो वट आई एम टेकिंग हीय सेवन तो आई एम पुटिंग दिस सेवन हीयर सो द स्क्वायर रूट ऑफ फाइव नाइन टू नाइन फाइव नाइन टू नाइन का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा सेवेंटी सेवन सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ लॉन्ग डिविजन मेथड यू आर टेकिंग इट फर्स्ट वी आर मेकिंग पेयर ऑफ टू देन वी आर टेकिंग दिस लाइक दिस ओके सो द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस इफ देर आर थ्री नंबर व्हाट वी हैव टू डू द सेम यू आर डूइंग फर्स्टली यू हैव टू मेक दिस लाइन लाइक दैट योर नंबर हियर नाउ देट इज़ ऑर्ड नंबर फाइव नंबर है वॉट वी हैव टू डू फर्स्ट नंबर इज़ अलोन देन पेयर ऑफ टू पहला नंबर हमें अकेला लेना है फिर पेयर ऑफ टू लेना है फर्स्ट नंबर इज वन सो वॉट यू आर डूइंग वन स्मॉलेस्ट इससे ज़्यादा स्मॉलेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता वन से तो वन का स्क्वायर वन ही होता है तो वन यहाँ पे भी लिखेंगे क्योंकि वन का स्क्वायर वन ही होता है तो वन इन टू वन वन होगा तो यहाँ पर वन लिख देंगे हमने इसे माइनस किया दैट इज ओवर नाउ पुट ट्वेंटी फाइव इस पूरे ट्वेंटी फाइव को मैंने नीचे उतार लिया नई नेक्स्ट स्टेप इज बोथ एड बोथ दिस नंबर वन प्लस वन दैट इज टू नाउ वॉट यू प्लेस वॉट यू आर प्लेसिंग हियर टू डिवाइड दिस नंबर आई एम टेकिंग वन वाई इफ आई एम टेकिंग टू इफ आई एम टेकिंग टू

ना प्लेसिंग टू अगर आप यहाँ टू प्लेस करेंगे तो टू से ही से मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा आपका फोर फोर्टी फोर सो प्लेट टू हियर बिकॉज लास्ट ही लास्ट में आपने टू से मल्टीप्लाई किया है सो द स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज वन वन टू ओके सो डूइंग फोर डिजिट एंड फाइव डिजिट लाइक दिस अंडरस्टैंडिंग दिस इफ यू हैव एनी डाउट अगेन कॉल मी सो दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड फाइंड स्क्वायर सो वॉट इज द मीन ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन फर्स्ट थिंग यू हैव टू क्लियर इन यूर माइंड रिपीटेड सब्ट्रैक्शन आर डूइंग विद ऑर्ड नंबर किससे किया जाता है ऑड नंबर बिगिनिंग विथ वन आपको पता होगा वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन दैट इज ऑड नंबर जो कि टू की टेबल में नहीं आते हैं सो so, हमें किस तरीके से पता करना है हम स्टार्ट करते हैं जैसे कि आपको दिख रहा है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मतलब लगातार सब्ट्रैक करना है व्हाट वी हैव टू सब्ट्रैक वी हैव टू सब्ट्रैक ऑड नंबर सो हाउ टू सब्ट्रैक सी फर्स्टली वी आर स्टार्टिंग विथ वन ट्वेंटी वन स्टार्टिंग माइनस वन इज इक्वल्स टू वन ट्वेंटी नेक्स्ट स्टेप दन ट्वेंटी माइनस थ्री दैट इज वन वन सेवन Now next step 117 minus 5. Okay, that is 112. 135. Next is 112. 135 one two minus seven. What is the answer of one one two minus seven? One zero five. then माइनस नाइन आप इसमें से नाइन माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा नाइन्टी सिक्स देन माइनस इलेवन वट इज़ दो एटी फाइव दैट इज माइनस थर्टीन आप इसमें से थर्टीन माइनस करिए दैट इज़ सेवेंटी टू नेक्स्ट सेवेंटी टू माइनस फिफ्टीन नाउ यू थिंक ऐसा कब तक मल्टीप्लाई और ये कब तक माइनस करता हुए जाना है इस तरीके से तो वेट अभी आपको पता लग जाएगा सेवेंटी टू में से आप फिफ्टीन को माइनस कीजिए तो आपका आ जाएगा फिफ्टी सेवन नाउ माइनस सेवनटीन सेवनटीन इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका फोर्टी फोर्टी में से आप नाइनटीन को माइनस कीजिए या आ गया आपका ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी वन माइनस ट्वेंटी वन देट इज़ ज़ीरो कब तक माइनस करना है जब तक कि हमें जीरो नहीं मिल जाता तो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ वन ट्वेंटी वन ये कैसे पता लगेगा माइनस करने के बाद भी कि कितना है आप गिनिए आपने कितने नंबरों से माइनस किया है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह यू हैव टू यूज इलेवन नंबर सो स्क्वायर रूट ऑफ वन ट्वेंटी वन इज इलेवन सो आई होप कि आप इससे समझ गए होंगे सेम एज इट इज़ यू आर स्टार्टिंग विथ सिक्सटी फोर फर्स्टली माइनस विथ वन सो दैट इज सिक्सटी थ्री दैन माइनस विथ थ्री दैट इज सिक्सटी दैन माइनस विद फाइव दैट इज फिफ्टी फाइव दैन माइनस विथ सेवन दैट इज फोर्टी एट ओके सो यू हैव टू डू लाइक दिस क्वेश्चन ओके so students this is question number 5th find least number that should be subtracted from following to get a perfect square find square root of that परफेक्ट स्क्वायर मीन्स हमें वो छोटा सा नंबर फाइंड करना है जिसको इस नंबर में से सब करने पर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए मतलब अभी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसमें से हमें एक छोटा सा नंबर फाइंड करना है जिसको अगर मैं इस ही नंबर से माइनस करूँगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो हाउ टू डू दिस क्वेश्चन फर्स्ट डिस्कशन डू बाई लॉन्ग डिविजन मैथड विच मैथड लॉन्ग डिवीजन मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ इसका बाकी आपको करने हैं बी और सी तो इसको अच्छे से समझिए यू हैव टू डू बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड तो लॉन्ग डिवीजन मेथड है ये आपका ओके सो हाउ टू डू दैट इज फोर्टी नाइन एंड थर्टी वन मेकिंग टू पेयर सो फर्स्टली फॉर सेवन बिकॉज फोर्टी नाइन इज द स्क्वायर ऑफ सेवन सो सेवन सेवनजा फोटी नाइन ओके

इफ़ अगर हम जीरो रखेंगे और उसे ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा तो यहाँ पर भी हम ज़ीरो रख देंगे और यहाँ पे हम डबल ज़ीरो कर देंगे तो ये आ जाएगा थर्टी वन तो यहाँ पे देखिए ये पूरी पूरी बार सॉल्व नहीं हुआ देर इज़ एन रिमाइंडर सो रिमाइंडर बचा है यहाँ पर सो so, इस रिमाइंडर को जहाँ भी हर क्वेश्चन में आपको यही करना है जब आप सॉल्व करेंगे कुछ ना कुछ रिमाइंडर आपका बचेगा सो so, आपको अपना लिस्ट नंबर मिल गया है वो लिस्ट नंबर है आपका थर्टी वन जो रिमाइंडर होगा वही आपका लिस्ट नंबर होगा सो व्हाट यू हैव टू डू फॉर परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको इस फोर नाइन थ्री वन में से थर्टी वन को माइनस कर देना है दिस इज योर नंबर नाओ अब हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर सो वी हैव टू फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर हम अब इस नंबर का क्या फाइंड कर लेंगे परफेक्ट स्क्वायर फाइंड कर लेंगे इस नंबर का दैट इज फोर नाइन जीरो जीरो सो सेवन से करेंगे तो सेवन सेवनजा फोर्टी नाइन अब ये दो जीरो नीचे उतारेंगे तो देखिए वही हो गया सेवन सेवनजा फोर्टीन सेवन प्लस सेवन फोरटीन अब यहाँ पे जीरो ही रखेंगे क्योंकि यहाँ जीरो है कोई नंबर तो है नहीं तो हम यहाँ जीरो रख देंगे और यहाँ भी जीरो हो जाएगा तो देखिए रिमाइंडर जीरो आ गया कोई लेना देना नहीं है हमारा अब तो फोर नाइन जीरो ज़ीरो का आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा सेवेंटी और ऐसे भी पता लग ही रहा है आपको फोर्टी नाइन का स्क्वायर सेवन होता है तो इसका आंसर सेवेंटी आएगा तो वंस अगेन यू आर रिमाइंड योर माइंड फर्स्टली यू आर डूइंग दिस जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा आपको उस रिमाइंडर को इस नंबर में से आपके गिवन क्वेश्चन में से माइनस करना है उसके बाद जो आंसर आएगा उसको आपको इस तरीके से स्क्वायर रूट निकालना है सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सो दिस इज क्वेश्चन नंबर सिक्स फाइंड लीस्ट नंबर दैट शुड बी एडिड इन प्रीवियस क्वेश्चन द क्वेश्चन इज दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड नाउ इट दैट शुड बी एडेड टू मेक अप परफेक्ट स्क्वायर मतलब ऐसा कौन सा लीस्ट नंबर इस नंबर के अंदर एड किया जाए जिससे यह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए दिस इज डिफरेंट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फाइव थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर तो अच्छे से समझिए इस क्वेश्चन को द सेम थिंग फर्स्टली वी आर डूइंग लॉन्ग डिविजन मैथड फोर थ्री फोर फाइव जीरो

इन दिस प्लेस एड बोथ दिस नंबर फाइव प्लस फाइव तो वी आर टेकिंग टेन हीयर नाउ इस प्लेस पे भी हमें नंबर लेना है और यहाँ पे भी रखना है उसे मतलब जो नंबर हम यहाँ पे लेंगे वही हमें यहाँ रखना है सो so, हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है जो नाइन फिफ्टी से छोटा हो या इसके बराबर हो बराबर तो आ नहीं सकता क्योंकि हमें कोई छोटा नंबर ऐड करना है तो बराबर तो आएगा नहीं ठीक है तो हम यहाँ पर जैसे कि मैं मैंने लिया एट तो हम यहाँ पर भी एट रखेंगे जब आप एट लोगे तो उसे एट से ही मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये हो जाएगा आपका एट सिक्सटी फोर सो वॉट यू हैव टू डू यहाँ पर आप एट सिक्सटी फोर से इसको माइनस करिए तो आप जब इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा एट्टी सिक्स सो बट दिस इज़ नॉट योर लीस्ट नंबर एडिड में ऐसा नहीं होगा सबट्रैक्टेड पे हमें तो ये हमारा लीस्ट नंबर था बट दिस इज़ नॉट फॉर एडिड तो व्हाट वी हैव टू डू इन एडिड यू नो दिस फिफ्टी एट अब आपको पता लग गया रिमाइंडर कब बचता है जब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो इट मीन्स कि जो फिफ्टी एट का स्क्वायर है वो थ्री फोर फाइव जीरो से छोटा है मतलब यहाँ पे जो नंबर आया इट मीन्स ये स्क्वायर से छोटा है तो हम इससे एक बड़ा नंबर लेंगे फिफ्टी एट का से बड़ा ले लो तो क्या हो जाएगा फिफ्टी नाइन का स्क्वायर तो सिंपल सी बात है अब फिफ्टी एट इसका आंसर था अगर हम इससे बड़ा ले लेंगे तो वो थ्री फोर फाइव जीरो से बड़ा आएगा सो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ फिफ्टी नाइन का स्क्वायर निकालिए फिफ्टी नाइन का स्क्वायर क्या होता है थ्री फोर एट वन सो फॉर फाइंडिंग लीस्ट नंबर आपको लीस्ट नंबर फाइंड करने के लिए इस फिफ्टी नाइन के स्क्वायर में से अपना क्वेश्चन माइनस करना है सो so, आपका आंसर आ जाएगा तो ये दिस इज योर लीस्ट नंबर नेक्स्ट पूछा है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर तो परफेक्ट स्क्वायर इज दिस एंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज फिफ्टी नाइन बिकॉज फिफ्टी एट तो होगा नहीं क्योंकि वो तो थ्री फोर फाइव जीरो से छोटा है तो हमने जब इसको माइनस किया तो ये आया हमारा तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा फिफ्टी नाइन सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज थर्टी वन द लीस्ट नंबर एंड फिफ्टी आइट द परफेक्ट स्क्वायर आपको निकालने की जरूरत नहीं है ये वैसे ही हमें पता लग रहा है तो ये सेम तो आप इस क्वेश्चन को देखिए आपको ये करना है इस तरीके से सॉल्व करना है जो भी रिमाइंडर बचता है ऐसे ही छोड़ दीजिए फिर उसके बाद यहाँ पे आइए इसका एक बड़ा नंबर लेना है आपको उस बड़े नंबर का जो भी स्क्वायर होगा उसको अपने क्वेश्चन में से माइनस करना है वो आपका नंबर हो जाएगा और उसी का स्क्वायर एक जो बड़ा नंबर लेंगे उसी का स्क्वायर आपका आंसर होगा सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर सिक्स